अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है। अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई खबर है क्या। मुश्किल यह है कि राजनीति एक ऐसे दौर में आकर फंस गई है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल, अगर उनकी राजनीतिक खबरों को टटोलते हैं तो उसके केंद्र में अरविंद केजरीवाल खड़े हुए नजर क्यों आते हैं। इसी के मद्देनजर आज हमने सोचा कि दरअसल पहले ही बता दें कि आज कोई खबर नहीं थी। खबर इस मामले को लेकर नहीं थी कि राजनीतिक तौर पर जो भी उठापटक हो रहे हैं उसके केंद्र में अरविंद केजरीवाल के नाम को लेकर अलग अलग व्याख्या हर कोई कर रहा है। तो आइए, क्रेजी क्या वाकई कर दिया है केजरीवाल ने कुछ इसे टटोलने की कोशिश, और खासतौर से धरने के बाद अरविंद केजरीवाल के नाम क्या रखा जाए। यह जाहिर है माँ बाप ने सोचा ही होगा, लेकिन किसे पता था सियासत में कदम रखते ही इस नाम को परिभाषित करने के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अच्छे अच्छे और कद्दावर नेता और अपने अपने तरीके से राजनीति में कदम दर कदम और अनुभव प्राप्त करने के बाद ऐसे नेता अरविंद केजरीवाल का नाम नए तौर पर कह रहे हैं, रख रहे हैं, बोल रहे हैं। सियासत है, समझ संकीर्ण है, जो कहिए, लेकिन सुनिए जरा इसे। मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ, लेकिन आज इस देश के हर घर के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है। इतनी महंगाई हो गई है कि घर का खर्चा नहीं चलता, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, हर घर के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है। आज मैं शिव प्रसाद के घर में अव्यवस्था फैलाने के लिए आया हूँ। माओवादी जो होते हैं देहात आदिवासी और जंगलों में, तो वो संविधान को चुनौती देते हैं। केजरीवाल नए तरीके से चुनौती दे रहा है कि 26 जनवरी की परेड क्या होती है, बोले लग्न झालं माझं, हनुमानला जायचं होतं मला, ते बांद्र्याला खेरवाडी पोलीस स्टेशन म्हणून आहे तिथं होतो, मला काही रजा मिळाली नाही। काल जसा मुख्यमंत्री वेडा मुख्यमंत्री बसलेला होता तिथं, त्यावेळेस मला सगळ्या ह्या लोकांच्या रजा कॅन्सल कराव्या लागल्या। केजरीवाल जी और उनके मित्र नैतिकता की बात करते हैं तो मुझे लगता है जैसे कालनेमी हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं। कालनेमी जो राक्षस था जो हनुमान जी को मारना चाहता था जब वो संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे। अभी भी अनगाइडेड मिसाइल की तरह जो है तूतू मैं गाली गलौज, जिस तरह की एक असभ्य भाषा का इस्तेमाल करना, सारे के सारे पूरे के पूरे सिस्टम को गाली देना और कहना कि जो कुछ हम हैं जो कह रहे हैं वही सिस्टम है, जो हम कह रहे हैं वही संविधान है, जो हम कह रहे हैं वही लोकतंत्र है, हम जो कह रहे हैं वही सरकार है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं फासिज्म के रास्ते पर जाने वाली बात है।